पेमेंट्स ऑनलाइन एक्सेप्ट करेंगे और ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करेंगे वो भी ऑनलाइन, तो ये पॉजिटिव साइड रहा। बट उसके साथ कुछ कोई बड़ी अच्छी चीज़ होती है तो उसके साथ कुछ बुरी चीज़ थोड़ी बहुत होती है, तो मैं कुछ वो डार्कर साइड जो है उसके बारे में रिलेट करूँगा। पहले तो आप ये चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि साइबर सुरक्षा जो है ना ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, करीब 15-20 साल पहले ये होता था कि हाँ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एथिकल हैकर, जो नरेंद्र जी ने बोला कि एथिकल हैकर्स करके लोग होते थे जिनको बहुत ज़्यादा कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, असेंबली लैंग्वेज होता है, पाइथन का, पर्ल, पीएचपी, ये सब का नॉलेज होना चाहिए था, तब वो एक एक्सपर्ट कहलाते। आज के दिन में ये एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है, इसमें हर किसी को एक्सपर्ट बन सकता है, चाहे उसको कोई टेक्नोलॉजी का अगर उसको कोई भी कुछ ही नहीं मालूम है फिर भी वो एक एक्सपर्ट बन सकता है अगर वो चंद कुछ बातों को ध्यान में रखे। तो अब जैसे कि हमारे स्पीकर, हमारे चीफ गेस्ट ने आपको कहा कि बताओ आप एक अगर रोड पे अगर साइबर आप समझ जाए कि हाईवे है और हाईवे पे चलना है, इस पर आपको गाड़ी ड्राइव करना है, ड्राइव करने से आप रुक नहीं सकते हैं। स्कैमर्स कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते रहेंगे, आज कुछ है कल कुछ और होगा। AI आ गया, पहले क्या था फिशिंग को हम लोग ईजिली लोग को वर्कशॉप में बताते थे कि आप फिशिंग को ईजिली पकड़ सकते हैं, जैसे कि आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगा, कहीं कुछ लिंक्स में कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ तरह का लिखने का और आपको रीच करने का तरीका कुछ डिफरेंट होगा। आज के दिन में जनरेटिव AI से आपको बस एक प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉम्प्ट देने के साथ आपको बढ़िया क्राफ्टेड ईमेल ड्राफ्ट हो जाएगा और वो किसी को भी आपको दे सकता है। आपको लगेगा कि बाकायदा कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको वो उस मेल को भेजता है, बहुत ही ईजी हो गया इस चीज़ को। आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है और आपको हाईवे में बोलूँगा कि हाईवे पर गाड़ी तो चलानी है लेकिन गाड़ी में आपको सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाना है, तो आपको वो सीट बेल्ट, वो प्रिकॉशन, वो सिक्योरिटी टिप्स जो है वो हम लोग इस प्रोग्राम वर्कशॉप में तो कवर करेंगे ही, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि चैलेंज क्या रहा जो हमने अपने रिसर्च में देखा। पहला था कि MSMEs और NGOs स्टार्टअप्स, पहला तो कि बजट, लिमिटेड बजट, क्योंकि उनके पास एक साइबर सिक्योरिटी टीम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी टूल्स जो है वो एक्सपेंसिव अफेयर है, कौन खरीदेगा टूल्स, कौन करेगा। लेकिन आज के दिन में क्या है एक एडवांटेज, साथ साथ में अगर कोई वीक पॉइंट था तो मैं एडवांटेज भी बता दूं कि बहुत सारे ओपन सोर्स टूल हैं, बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जिसको आप यूज़ करके आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं, जीमेल में आपको बस जानने की ज़रूरत है कि आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको इम्प्लीमेंट करना है, एक छोटा सा सेटिंग है जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, बट उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वही बात पे वही उसी चीज़ पे आप लोग की गाड़ी तो चलाना है बट गाड़ी को के बारे में फीचर्स जानने की ज़रूरत है कि आपकी गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक और सिक्योर रख सकते हैं, तो वो चीज़ के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है कि फिशिंग अटैक्स में बताया, फिशिंग के बहुत सारे ये आगे रैनसमवेयर एक बहुत मेजर इशू बना हुआ है आज के दिन में। रैनसमवेयर में क्या है कि आपको एक सिंगल लिंक पे अगर आपको कोई भी कभी हो सकता है कि कोई एक जॉब से रिलेटेड लिंक हो, कोई बहुत अट्रैक्टिव जॉब ऑफर दे रहा होगा, कहेगा कि आपको शायद महीने का 2-3 लाख भी ऑफर करने को तैयार हो जाते हो, तो उस तरह के फ्लैशी जॉब ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज़ में आपको लिंक पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि एक तो अगर आप लिंक पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया और बोले चलो, एक लोग के अंदर क्यूरियोसिटी रहता है कि देखते हैं लिंक पे क्लिक करके कि उसमें है क्या, नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लेकिन देखते हैं, बट आपको वो देखना भारी पड़ सकता है क्योंकि जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में, आपके टैबलेट में एक मैलवेयर सैलेंट्री डाउनलोड हो जाएगा, एक वायरस डाउनलोड हो जाएगा और आपकी सारी गतिविधि जो भी आप अपने फ़ोन से किसी को बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं या कुछ भी फोटो शेयर कर रहे हैं, हर एक चीज़ आपका उस क्रिमिनल के पास जाते रहेगा और फिर फर्दर आपको चल के आपको ब्लैकमेल करेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कंप्लायंसेस के बारे में मैं मेंशन करूँगा कि आपको ये भी जानकारी रखने की आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके इंस्टीट्यूशन में अगर आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो डेटा स्टोर अगर कल को कभी ब्रीच होता है किसी तरह से, अगर भगवान ना करे कि ब्रीच हुआ और डेटा किसी ने हैक किया, क्योंकि इस तरह का इंसिडेंट होता है या कहीं पर आपका डेटा चोरी होता है, तो आपको जैसे आपको इन्फॉर्म हुआ उसको इन्फॉर्म करने के 6 घंटे के अंदर आपको सर्टिन को इन्फॉर्म करना है कि ऐसा ब्रीच हुआ है। तो बहुत इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है कि क्या क्या मदद है, हमारे आसपास कौन कौन से लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में एक तरह से जागरूकता होनी चाहिए। साथ ही साथ
अपना बाइक नंबर कार नंबर इस तरह की चीजों पर अवॉइड करें और थोड़ा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखें. जो भी फोन जिसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो क्वेश्चन था, आप जो फोन यूज कर रहे हैं, फोन इज वेरी पर्सनल. फोन को आप, मैं, मेरे पास कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स आए, कुछ ऐसे एमएसएमई से लोग आए हमारे पास, जहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं रेलवे स्टेशन पे बाहर निकला था, मेरे पास कोई आया और बोला कि मेरा फोन बंद हो गया, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, बहुत ही अर्जेंट करना है. मैंने सिर्फ अपना फोन एक मिनट के लिए दिया, एक मिनट में क्या 30 सेकंड के लिए, और जैसे ही मैंने फोन दिया वापस है, उसके कुछ आधे घंटे के बाद मैं देख रहा मेरा पूरा अमाउंट क्लियर हो गया, मेरा फोन में जो भी डेटा था वो चोरी हो गया, मुझे ब्लैकमेलिंग के कॉल्स आने लगे. तो ध्यान देना है कि आपका फोन पर्सनल है, शेयर उसको सोच समझ के करें और प्रॉपर सुपरविजन पे, चाहे कोई भी डेटा, अगर आप कोई डिवाइस भी अगर रख रहे हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं, कोई टैबलेट यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो मेंटेन कि उसका सिक्योरिटी, उसका फिजिकल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है. घर से काम कर रहे हो या पब्लिक प्लेस में अगर कैफे से काम कर रहे हैं, तो उसको भी आपको मेंशन मतलब मेंटेन करना होगा. सिक्योरिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होगा ताकि वो किसी तरह से वो आपका कोई डेटा चोरी नहीं कर सके. अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अवेयरनेस ऐसे नहीं कि आपके एग्जैक्ट लेवल अवेयरनेस हो. जो फील्ड स्टाफ जो आपके ट्रेन कर रहे हैं, जो वॉलंटियर्स जो हैं, आपके वॉलंटियर जो ग्राउंड पे हैं, उनको भी अवेयर होने की जरूरत है, ताकि कल को उनके साथ कोई हादसा हो, वो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो फिर आपके उनके थ्रू आपके नेटवर्क पे लोगों का एक्सेस मिल सकता है और कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है. बैकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने डेटा का रेगुलर बैकअप रखें. इंसिडेंट कभी भी हो सकता है, ऐसा ना समझे कि आपके साथ इंसिडेंट को सेट डेट सेट टाइम को कभी ऐसा होगा, कभी भी इंसिडेंट हो सकता है, कभी भी आपके फोन में वायरस आ सकता है. तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा. आपको बस ये सोचना होगा कि आप अगर वायरस आ गया तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, किसके पास जाना है, किससे मदद लेनी, ये सब चीज़ों के बारे में आइडिया रहना होगा. और एम्प्लॉय ट्रेनिंग और इनफैक्ट आपके जो भी स्टाफ्स और वॉलंटियर्स का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़रूरी नहीं कि आप इसे डूज एंड डोंट्स के फॉर्म में करें, आप कोशिश करें कि एक अच्छा एक्सरसाइज. हम क्या करते हैं, कभी नुक्कड़ नाटक करा दिया, कभी एक तरह से हम एक एंगेजमेंट एक्टिविटी करा दी, क्विज कॉम्पिटिशन करा दिया. तो अलग अलग तरीके हैं जिससे आप अपने लोग को, अपने वॉलंटियर्स को, अपने घर मतलब अपने स्टाफ्स और अपने एम्प्लॉयज़ को तो करेंगे ही, साथ ही साथ अपने घर में भी जो लोग हैं उनको भी अवेयर करें और कोशिश करें कि इस तरह से एक इंसिडेंट का रिस्पांस का एक छोटा सा एक पेज का पन्ना होता है. इंसिडेंट हुआ 1930, एक नंबर याद रखते हैं इसको, 1930 गृह मंत्रालय का नंबर है. एक वेबसाइट याद रखते हैं, cybercrime.gov.in. आजकल आपके सब SMS में ये वेबसाइट जाता होगा, देखते हैं KBC में भी इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया है. क्योंकि गृह मंत्रालय के अंदर एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जिसका नाम है I4C, उसकी स्थापना की गई है, जो इस तरह के इंसिडेंट को रोकने के लिए काम कर रहे हैं. और किसी के साथ अगर किसी तरह का फ्रॉड हो गया, या इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड हो गए, या एनी काइंड ऑफ साइबर रिलेटेड ऑफेंस इंसिडेंट हो गया, तो उसको रिपोर्ट किया जा सकता है घर बैठे. तो इसको ध्यान में रखें, घर बैठे इमीडिएटली इंसिडेंट होने पे cybercrime.gov.in को रिपोर्ट करें, और एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है CERT, उसको आप टाइमली रिपोर्ट कर दें. तो मैं बेसिकली बस यही बातें बस कहना चाहूँगा. रेस्ट बहुत सा रिसोर्स है, साइबर स्पेस सेफ है, लेकिन आपको जानना होगा ये कुछ चंद बातें जो हम बता रहे हैं, जो हाइजीन फैक्टर्स बता रहे हैं कि आपको हाइजीन कैसे मेंटेन करना होगा, सेफ्टी चेकलिस्ट का करना होगा. बस थोड़ी बहुत 7-8-10 बातें बस ध्यान में रखें, तो 99% जो साइबर क्राइम है या साइबर अटैक है उससे आप बच सकते हैं. पर आपको इनको ध्यान में रखना होगा, हमेशा आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि कभी भी स्कैम हो सकता है, किसी फॉर्म में अटैक भी हो सकता है, स्कैम हो सकता है. डीपफेक का जमाना है, डीपफेक का जमाना ऐसा है कि आपको कोई भी इंटरनेट से यूट्यूब से वॉइस उठाएगा और आपके वॉइस में किसी को भी कॉल कर सकता है, और वीडियो भी आपको ऐसा दिखेगा कि वो आपका वीडियो. तो वॉइस हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये कहीं से भी आपका मैचिंग ओरिजिनेट किया जा सकता है और आपके नाम से किसी को भी टारगेट किया जा सकता है. कुछ केसेस हमारे पास आए थे कि अचानक से अभी डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड बहुत कॉमन हो गया है, जिसमें अचानक से आपको बोलेगा मैं CBI से हूँ, एक चिट्ठी आया सामने आपको कि आपने कुछ वायलेट किया है, आपने कुछ ऐसा कंटेंट देखा जो आपको नहीं देखना चाहिए था, और अभी आपके इमिडिएटली आप जूम कॉल पे आइए, जूम कॉल पे आपके पास अलग अलग फॉर्म में लोग पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के आएंगे,
कोई बोलेगा मैं टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ, और इस तरह से आपको बना रखेंगे कि आपको बोलेंगे आपको स्क्रीन छोड़ के नहीं जाना है, स्क्रीन के सामने रहना है और वहीं पे आपको डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करना है। तो अलग अलग स्कीम, अलग अलग तरीके आ गए हैं, और इतना जरूर ध्यान रखें कि कॉमन सेंस यूज करें चीजों में ऐसे में, और अवेयरनेस इसका सबसे बड़ा आई वुड से सॉल्यूशन है। और कुछ गलत हो जाने पे चुप ना रहें, रिपोर्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप चुप रहेंगे आपके साथ फर्दर्स क्या होता है। यही बस इन बातों के साथ मैं इंस्पेक्टर पाटिल लूंगा मॉडरेटर का और किस तरह से आपको इजी टूल्स चैटबॉट के फॉर्म में कैसे आपको कोई फेक न्यूज आया तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे, बहुत आसान शब्दों तो एक हैकाथॉन है, आज उसी को मैं इनॉग्रेट करने आईएसबी हैदराबाद जा रहा हूं, एंड होपफुली वहां से हम कुछ अच्छे टूल्स आप लोगों के लिए भी लेके आएंगे। थैंक यू सर।